अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे होती है, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, और एक ग्राफ के ऊपर स्टैंडर्ड एरर अप्लाई करना क्यों ज़रूरी होता है और किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये तमाम चीज़ें आज के लेक्चर में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले ये कि ग्राफ जो है वो है क्या। एक्चुअली ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ड्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है आपके डाटा की। मतलब आपने अपनी रिसर्च में आपका जो डाटा गैदर किया है, जो डाटा कलेक्ट किया है, उसकी उसको या तो आप टेबल की फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रिप्रेजेंट करते हो या फिर आप उसको ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हो ताकि आपके डाटा की सही तरीके से समझ आ सके। ठीक है, इसलिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। अब जो ग्राफ है, फॉर एग्जाम्पल आपके डिफरेंट ग्रुप्स हैं और डिफरेंट आपके सैम्पल पॉइंट्स हैं, तो सपोज कि आपका जो एक ग्रुप है उसमें 10 वैल्यूज हैं, तो आप हर वैल्यू का ग्राफ नहीं बनाते, आप उन तमाम वैल्यूज का मीन निकाल लेते हो और उसके बाद उनका ग्राफ बनाते हो। ठीक है, तो इसलिए हमने तमाम वैल्यूज का पहले मीन निकालना है और फिर मीन के ऊपर हमने ग्राफ बनाना होता है। मीन कैसे निकालते हैं ये भी हम एक्सेल की शीट पे सीखेंगे। इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि स्टैंडर्ड एरर क्या होता है। एक्चुअली स्टैंडर्ड एरर जो है ना, ये आपके डाटा के अंदर जो वेरिएबिलिटी है उसको मेजर कर रहा है। ठीक है, और ये वेरिएबिलिटी मतलब जो आपका मीन है उससे वैल्यू थोड़ी डेविएट कर सकती है, ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है, पॉजिटिव भी जा सकती है और नेगेटिव भी जा सकती है। तो इसको हमेशा आप प्लस और माइनस के साइन से डोनेट करते हो। ठीक है, तो चले एक्सेल की शीट पे जाते हैं और सीखते हैं कि हम एक ग्राफ कैसे प्लॉट कर सकते हैं, उसकी फॉर्मेटिंग कैसे कर सकते हैं, मीन कैसे निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, और एक ग्राफ के ऊपर हम किस तरीके से स्टैंडर्ड एरर अप्लाई करते हैं। तो चलें एक्सेल की शीट पे चलते हैं। ये स्टूडेंट, यहाँ पे आपको डाटा नजर आ रहा है, इसमें डिफरेंट सैम्पल पॉइंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट 1, 2 एंड 3, और एक सैम्पल पॉइंट के 3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, ए बी एंड सी। ठीक है, अब एक ग्रुप में डिफरेंट वैल्यूज हैं। अब हम हर वैल्यू के ऊपर ग्राफ अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लाउडी हो जाता है और समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम यही सुजेस्ट करते हैं कि जितनी भी आपकी एक ग्रुप की वैल्यूज हैं उनका आप मीन निकालो और उसके बाद आप उसका ग्राफ बनाओ। अब यहाँ पे मीन मैंने कुछ ग्रुप्स का निकाला हुआ है, अब किस तरीके से निकालते हैं अगले ग्रुप का मैं आपके सामने निकालूंगी ताकि आपको समझ आ जाए। अब इसमें हमने करना क्या है कि इस ग्रुप की वैल्यूज को आपने कर लेना है सेलेक्ट, तो इन तमाम वैल्यूज को हम कर लेंगे सेलेक्ट। उसके बाद आप जाएंगे फॉर्मूला के ऊपर और फॉर्मूला में ऑटो सम का ऑप्शन आपको नजर आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सम का ऑप्शन है, एवरेज है, काउंट नंबर, मैक्सिमम मिनिमम, जो भी आप करना चाहे, लेकिन यहाँ पे हमें एवरेज रिक्वायर है तो इसलिए हम यहाँ पे एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, उसके बाद अगेन आपने जिस जिस वैल्यू का एवरेज निकालना है उसको आप सेलेक्ट करेंगे, ऑटो सम पे जाएंगे और एवरेज अगेन अगेन जो आपकी ये वैल्यूज हैं इसका भी आप वैसे ही एवरेज निकाल लेते हैं। उसके बाद आपने स्टैंडर्ड एरर निकालना है। स्टैंडर्ड एरर निकालने के लिए आपने सबसे पहले जाना है डाटा व्यू में, और डाटा व्यू में जाके आपको यहाँ पे डाटा एनालिसिस का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर यहाँ पे बेसिकली इसको हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और इंस्टॉल करने के लिए आप जाते हो फाइल में, फाइल में जाके आप मोर के ऑप्शन पे जाते हो, और मोर के ऑप्शन में जाके आपने कुछ फंक्शंस को सेलेक्ट करना होता है, अकाउंट में जाते हो सॉरी, और यहाँ पे आपने जाके अपनी वैल्यूज को सेलेक्ट मोर में जाके आपने ऑप्शंस में जाना है, और ऑप्शंस में जाके आपने यहाँ पे एड्स इन के ऑप्शन में जाते हो और फिर आप डाटा एनालिसिस को इंस्टॉल करते हो। अब चूंकि मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसलिए यहाँ पर इंस्टॉल होने के बाद अपेयर हो चुका है। अब यहाँ पे हम डाटा एनालिसिस को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक के ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद हम वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे जिनका हम स्टैंडर्ड एरर निकालना चाहते हैं, तो इन वैल्यूज को हम कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्योंकि आप न्यू वर्कशीट पे लेके आना चाहते हो या इसी पे, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। समरी स्टैट पे आप क्लिक कर दोगे या फिर इनमें से कोई भी आपको चाहिए तो आप उस पर भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे समरी स्टैट को सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें सिर्फ मीन, मीडियम, मोड और इसके अलावा स्टैंडर्ड एरर चाहिए। इस पे हमने क्लिक कर दिया, ओके कर दिया, ये आपको एक नई शीट पे लेके आ जाएंगे। यहाँ पे आपको नजर आ रहा है मीन है, स्टैंडर्ड एरर कैसे निकालते हैं, मीडियन, मोड, ये तमाम चीजें यहाँ पे आपको नजर आ रही है, लेकिन हमारी जो रिक्वायर्ड चीज है वो क्या है, स्टैंडर्ड एरर। यू विल कॉपी कंट्रोल सी आप करेंगे और शीट 1 पे आके आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
अगेन आप जाएंगे डाटा एनालिसिस पे, और अगेन आप क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज को सेलेक्ट करेंगे जिसका आपने स्टैंडर्ड एरर निकालना है, और इसको आप कर देंगे ओके okay, ठीक है। और अब आपकी जो स्टैंडर्ड एरर है वो यहाँ पे आ गया। अगेन आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। अब जो बाकी शीट्स हैं उसको आप डिलीट कर सकते हो क्योंकि अब वो हमारे काम की शीट्स नहीं हैं। अब आप क्या करोगे, आपकी जो एक वैल्यू रह गई है आप अगेन उसका भी स्टैंडर्ड एरर निकालोगे इसी तरीके से, ताकि आप जब ग्राफ बनाओ तो आप आसानी से तीनों वैल्यूज के ऊपर आप स्टैंडर्ड एरर अप्लाई कर सको। तो इसका भी हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया। उसके बाद हमने करना क्या है कि जो हमारी वैल्यूज हैं वो डेसिमल के बाद हमने सिर्फ दो ही वैल्यूज लेनी होती है, इसके अलावा जो बाकी वैल्यूज हैं वो हमें रिक्वायर नहीं होती। तो हम क्या करेंगे कि ये तीनों वैल्यूज को हम सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि एरो शो कर रहा है कि आपने डेसिमल को इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, क्योंकि हमने डिक्रीज करना है इसलिए हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी वैल्यूज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है। तो हमारा जो मीन आ गया और इसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्ड एरर आ गया। अब आपके पास चॉइस है कि आप एक ही सैंपल पॉइंट के डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहते हो या फिर दो डिफरेंट सैंपल पॉइंट के डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करना चाहते हो, तो इस हिसाब से आप अपना ग्राफ बना सकते हो। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम डिफरेंट क्या बनाना चाहते हैं, डिफरेंट पॉइंट्स को कंपेयर करेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सैम्पल पॉइंट वन, और उसके बाद सैम्पल पॉइंट है हमारे पास टू, इसकी वैल्यूज हम लिख लेंगे। ये हमारे पास हैं ग्रुप्स, और ग्रुप्स हमारे पास ए बी सी हैं, तो आप यहाँ पे इसको लिख लेंगे। ये हमारे पास ग्रुप्स आ गए हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास मीन की वैल्यू, सिर्फ आप इस मीन की वैल्यू को कॉपी करेंगे, इसके नीचे आपने इसको लेके आना है, और ये आप राइट क्लिक करके यहाँ पे कॉपी करेंगे। अगेन यहाँ पे आपको डेसिमल ज़्यादा नहीं चाहिए तो आप इसको भी कम कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे इन मीन की वैल्यूज़ को आप क्या कर लेंगे, कॉपी, और अगेन सेम वैसे ही आप यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे, और इसके डेसिमल को आप राइट क्लिक करके कम कर लेंगे, ठीक है। अब अगेन आपने करना क्या है कि इन वैल्यूज़ को आपने क्या कर लेना है, सेलेक्ट। इन वैल्यूज को आप सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे आप यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे, और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ग्राफ का ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आप ग्राफ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे इसको क्लिक किया, और यहाँ पे डिफरेंट ग्राफ्स हैं जिस भी तरीके से आप बनाना चाहो, तो हम सिंपल ग्राफ बनाएंगे। तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ है वो हमारे पास आ गया, ठीक है। हमारे पास अब ग्राफ आ गया। अब हमने इस ग्राफ की फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग करने के लिए देखो, अब जैसे ये ग्राफ नजर आ रहा है तो समझ नहीं आ रहा कि ये ग्राफ है क्या, ये और शो क्या कर रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये जो चार्ट का टाइटल है उसको खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो सैम्पल पॉइंट्स हैं, सैम्पल पॉइंट एक्चुअली इसको आप खत्म कर दो, सिर्फ आपको वन टू रिक्वायर है। तो ये जो आप क्या करेंगे कि ये जो प्लस का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग आप सारी फॉर्मेटिंग कर लोगे। सबसे पहले तो हमें कोई ग्रिड लाइन नहीं चाहिए, तो इसलिए आप इसको रिमूव कर देंगे। जो आपके लेजेंड है, ठीक है, उसको आप बॉटम पे लेके आना चाहते हो टॉप पे, तो हम इसको टॉप पे लेके आना चाहते हैं, तो ये हमारे लेजेंड टॉप पे आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने एक्सिस का टाइटल रखना है, कि एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है, उसका आपने टाइटल रख लेना। अब हमने जो फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास वेट का ग्राफ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे वेट लिख लिया कि जो आपका ये एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस के ऊपर आपका वेट है, और ये जो है ना ये आपके ग्रुप्स हैं। तो ग्रुप्स आपके यहाँ पे ग्रुप्स हैं, तो आप यहाँ पे क्या कर लोगे, वाई एक्सिस के ऊपर लिख लोगे कि ये आपके हैं ग्रुप्स, ठीक है। ये आपने यहाँ पे लिख लिया आपके ग्रुप्स हैं। उसके बाद अब इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद आपको इस शीट के ऊपर लेके आ जाएंगे। साइड पे आपको नजर आएगा, यहाँ पे आपने इसकी फॉर्मेटिंग करनी है। आपने टिक मार्क्स के ऊपर क्लिक करना है। अब आपने टिक्स जो है वो मेजर लगानी है, माइनर लगानी है, आप इन दोनों के ऊपर क्लिक कर सकते हो। इन साइड लगानी है, आउटसाइड लगानी है, उस पर क्लिक करेंगे। हम आउटसाइड पे लगाएंगे, मेजर माइनर कर लिया, और टिक्स हमारे पास लग गई हैं। अब उसकी जो लेंथ है वो कितनी रखनी है और उसका साइज कितना रखना है, इसमें आ जाएगा। सॉलिड फिल आपने करना है या नहीं करना है, यहाँ पे हम नो फिल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप जाएंगे लाइन के ऊपर। लाइन में आपने सॉलिड फिल किया, किस कलर का करना है, यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, ब्लैक है, जो भी आपने कलर करना है वो हमने सेलेक्ट कर लिया।
यहाँ पे ये जो आपने लाइन लगाई है उसकी जो डायमीटर है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे हम 1.5 डायमीटर लगा लेंगे, तो ये वहाँ पे आपको नजर आ रही है। अब बेसिकली इसको हमने फिर उसके बाद फॉर्मेटिंग करनी है कि अगर आप कैलिब्री में रखना चाहते हो तो ये ऑलरेडी कैलिब्री में है, अगर आप इसको टाइम्स न्यू रोमन में रखना चाहते हैं किस में, तो ये आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके लेके आ सकते हैं। और उसके बाद आपने उसका टाइम सेलेक्ट जो फॉन्ट है उसको सेलेक्ट कर लेना है, 12 रखना है, जो भी रखना है आपने यहाँ से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप उसका कलर भी रख सकते हो। अगेन आप इसकी फॉर्मेटिंग करोगे, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल ए करेंगे आप इसको, अगेन इसका भी जो भी साइज होगा आपने इसको रखा, और अगेन इसका साइज जो है वो भी आपने 12 रखना है, 14 रखना है, जो भी आपने रखना है वो आपका आपके सामने आ जाएगा। अगेन आपकी जो वाई एक्स एक्सिस वाली लाइन है इसको भी आपने अगेन वैसे ही इसकी टिक मार्क्स के ऊपर जाना है, और टिक मार्क्स के ऊपर जाके इसको आपने क्या कर लेना है, मेजर है या माइनर है, हम फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मेजर के ऊपर करें इसको क्लिक। अगेन आप जाएंगे इस ऑप्शन के ऊपर, आप लाइन आपकी ऑलरेडी लगी हुई है और कलर जो है वो नज़र नहीं आ रहा है, इसको हम ब्लैक कलर कर लेते हैं, और यहाँ पे आप इसका फॉन्ट जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे 1.5, और अब इसका जो फॉन्ट है वो बिल्कुल सही नज़र आ रहा है। अब ये जो ग्रुप्स नीचे नज़र आ रहे हैं ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम इसको ख़त्म कर देंगे, तो ये ग्रुप भी हमारे पास ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आप इसको जाएंगे टाइम्स रोमन में, इसका फॉन्ट आप इंक्रीज कर लेंगे और इसको भी आप ब्लैक में कर लेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि ये जो एरर बार्स हैं इसको इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेटिंग में आपने इसके बॉर्डर लाइन लगानी है, और बॉर्डर लाइन में आपने जाके इसको सॉलिड लाइन करेंगे, ये ब्लैक कलर में शो हो जाएगी। आपने कितनी उसकी डायमीटर कितना रखना है, तो हमने 1.5 फॉर एग्जाम्पल रखा है, तो ये तमाम ग्रे के ऊपर उसने बॉर्डर लाइन लगा दिया। अगेन आप इसके ऊपर सेलेक्ट क्लिक करेंगे तो इसकी भी बॉर्डर लाइन यहाँ पे आ जाएगी। सॉलिड आपने करना है इसको सेलेक्ट, और अगेन इसकी बॉर्डर लाइन यहाँ पे अपीयर हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे इसको भी अगेन आप फॉर्मेटिंग कर लेंगे कि 1 सैम्पलिंग पॉइंट है, 2 सैम्पलिंग पॉइंट है, इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर लिया और यहाँ पे आपने इसको ब्लैक कलर में कर लिया, और अब जो ग्राफ है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू बिफोर। अब हमने जो स्टैंडर्ड एरर निकाला है वो हमने अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के लिए हम इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम एरर बार्स में जाएंगे, और एरर बार्स में जाके हम मोर ऑप्शंस में जाएंगे। मोर ऑप्शंस पे जाके वो ये कह रहा है कि आपने 1 पॉइंट पे लगाना है या 2 पे लगाना है। ठीक है, तो वो आपकी वैल्यूज को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया उसने। अब क्योंकि स्टैंडर्ड एरर मैंने पहले बताया था कि पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी, तो हम ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब हमने वैल्यूज हमारी फिक्स नहीं है, हम कस्टम पे जाएंगे और अपनी वैल्यूज को स्पेसिफाई करेंगे कि एक्चुअली कौन सी सैंपल 1 की हमारी वैल्यूज हैं, और वो दोनों में ही आप सेम ही रखेंगे, तो ये हमारी वैल्यूज हैं। ठीक है, उसमें भी पॉजिटिव में भी सेम ही है और नेगेटिव वाले में भी हमारी वैल्यूज सेम ही रहेंगी, और वो हमारी वैल्यूज हैं ये। ठीक है, उसके बाद आप इसको कर देंगे ओके, और आपका यहाँ पे स्टैंडर्ड एरर भी लग चुका है, और ये एक फाइनल ग्राफ की शक्ल होती है। अगेन आपने स्टैंडर्ड एरर निकालना है तो इस के ऊपर भी आप स्टैंडर्ड एरर अप्लाई कर लोगे। अप्लाई करने के बाद आप इसका एक कैप्शन देते हो और आप रिप्रेजेंट करते हो कि हमारी जो ग्राफ थी, जो हमारा डाटा है वो सैंपल 1 में डिफरेंट ग्रुप्स में ये वेरिएशंस आ रही हैं, जैसे कि आपको क्लियर कट नजर आ रहा है कि इसमें इंक्रीज हुआ है, फिर कम हो रहा है, फिर कम हो रहा है। ठीक है, तो ये ग्राफ कोई भी हो सकता है, वेट का है, लेंथ का है, मतलब कोई भी डाटा आपका जो है आप उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हो और स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हो। अगले लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे कि अगर आपका जो डाटा है उस पे आप स्टैट किस तरीके से अप्लाई कर सकते हो, 1 वे अनोवा क्या होता है, 2 वे अनोवा क्या होता है, पेयर सैंपल टी टेस्ट क्या है, और अनोवा अप्लाई करने से पहले या स्टैट अप्लाई करने से पहले किन अजम्पशंस को हमने पूरा करना होता है। स्टे कनेक्टेड, अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।